Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to Misbah Prayer Tower. मेरे अजीजों भाइयों बहनों, मिसबा प्रेयर टावर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया है। आमीन। आइए अब पहले एक गवाही सुनते हैं, फिर प्रार्थना में चलते हैं। जय मसीह की। मैं, मेरा नाम है अंजना मींज। मैं आया नगर से बोल रही हूँ, नई दिल्ली। एक गवाही है मेरा, मैं यूट्यूब में जॉन सिस्टर का प्रेयर सुनती थी, वचन सुनती थी, और उसमें नंबर था मैं, और उसमें जॉन सिस्टर को मैंने कॉल किया। एक दिन नहीं लगा, दूसरे दिन मैंने उसको कॉल किया तो लगा। और मेरा दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, टीचर ही बोलते थे कि ये कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं कहता था। लेकिन जॉन सिस्टर को मैंने, दोनों बच्चे के लिए मैंने प्रार्थना करवाई और जॉन सिस्टर बुला के रिसीव करना। वैसे ही मैं दोनों बच्चे के लिए प्रेयर किया, तो मैं भी प्रार्थना किया तो मैं रिसीव किया पढ़ाई के लिए। और अभी मेरा दोनों बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में। और पिछले बार छोटा वाला पेपर लिखा था, बिल्कुल जीरो था, एक नंबर था। लेकिन इस बार पेपर दिया तो टीचर भी बोलने लगा कि इतना वो था, कैसे से इतना नंबर लाया। इसलिए दिल से प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ, और जॉन सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी ऐसे ही मेरा बच्चे अच्छे नंबर से पास हो पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द गॉड। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रशंसा हो, स्तुति हो, क्योंकि केवल वो ही महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वदाता है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, वो हर जगह है और वही सब कुछ करता है और वही सबसे शक्तिशाली परमेश्वर है। आमीन। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जितने लोग अपने जीवन को आशीषित देखना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, शांति में देखना चाहते हैं, अपनी हर लड़ाइयों को जीतना चाहते हैं जो शैतान के खिलाफ है, जो शैतान आपके विरुद्ध लाता है, या परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को सदैव अपने साथ रखना चाहते हैं, या पृथ्वी के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो त्रियत्मक परमेश्वर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, आपसे सिर्फ एक काम को कहता है, सिर्फ एक काम को, और वो है उसके वचन का आदर करना। यदि आप उसके वचन का आदर करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं, पिता परमेश्वर का आदर करते हैं, पवित्र आत्मा का आदर करते हैं। लेकिन आज बहुत से हैं जो उसके वचन को सुनना नहीं चाहते, वो उसके वचन को पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ प्रार्थना करना चाहते हैं या प्रार्थना करवाना चाहते हैं। वो ये वचन को पढ़ना, वचन को सुनना तुक्ष जानते हैं, वो परमेश्वर को तुक्ष जानते हैं। और जो लोग वचन का आदर नहीं करते, वो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। जो लोग परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा? क्योंकि उत्तर देने वाला
प्रभु परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि पिता ने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया है। और आप जब उसका आदर ही नहीं करते तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती की पुस्तक 4:4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उसको शैतान भरवाने के लिए आया, कि प्रभु यीशु मसीह बोले, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इस बात को कहा? क्यों इस बात को कहा कि जीवित रहेगा? जो परमेश्वर के मुख से निकल गया उस बात से मनुष्य जीवित रहेगा। इस बात को भी आप जान लो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो आप मेरे साथ निकालिए पवित्र शास्त्र यूहन्ना की पुस्तक 1:1, वहाँ इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। नीचे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वचन ही परमेश्वर था। वचन नहीं तो देह धारण की यीशु मसीह के रूप में, लेकिन आज बहुत से हैं जो वचन सुनना पसंद नहीं करते, उसे ग्रहण नहीं करते। तो आप इस बात को सोचिए कि आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा, क्योंकि वचन में ही जीवन है, वचन में ही चंगाई है, वचन में ही छुटकारा है, वचन में ही पापों से रिहाई है, वचन ही जीवन की रोटी है, वचन ही जीवन की ज्योति है, वचन ही जीवन का जल है, और वचन ही तो प्रार्थनाओं का उत्तर है, और वचन ही परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया, जो सब कुछ है, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है, जिसने वचन पाया है, उसने परमेश्वर को पा लिया है, क्योंकि वचन परमेश्वर है, जो सारी वस्तुओं का, सारी चीजों का, सारी आशीषों का श्रोता है, एक कुंड है, एक अधिकारी है, सब कुछ उसके हाथों में सौंपा गया है। दाऊद राजा कहता है, भजन संहिता 119 में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 119 में, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। वो कह रहा है कि मैं आज किसी और चीज से खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ तेरे वचन को पाकर हर्षित होता हूँ, क्योंकि उसने जान लिया है कि वचन ही परमेश्वर है। हम नहीं जानते आपकी इच्छा क्या क्या होगी और आप किस चीज से प्रसन्न होते होंगे, हर्षित होते होंगे, क्योंकि किसी को घर बनाकर खुशी मिलती है तो किसी को कुछ चीज पाकर खुशी मिलती है, कोई कार खरीद कर तो कोई शादी विवाह कर तो कोई नौकरी पाकर खुशियां मनाता है, तो कोई बच्चा पाकर खुशी मनाता है। जैसे जिसकी आवश्यकता होती है और उसे पाने के बाद जो खुश होता है, वैसे ही दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन को पाकर हर्षित होता हूँ, खुशियां मनाता हूँ। बाइबल के उत्पत्ति में क्या लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, हाथों से या अपने मुख के वचन से। प्रियो, यहाँ पर बाइबल ऐसा बताती है कि जो कुछ ब्रह्मांड में दिखता है, मनुष्य को छोड़कर वो सब कुछ परमेश्वर के कहने के अनुसार बन गया। लेकिन हम मनुष्य को उसने मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया और अपना स्वास हमारे अंदर फूंक दिया कि हमसे अपनी महिमा ले, हमसे बातें करे, हमसे अपनी अपनी सच्चाई को प्रचार करे, हमसे अपने कामों को बताए,
धर्म से अपनी रजा को रखे। अब आप सोचिए कि परमेश्वर के कहने के अनुसार सूरज चंद्रमा तारे सितारे पृथ्वी आकार बन गए, जीव जंतु बन गए, पेड़ पौधे बन गए, समुद्र पहाड़ दरिया बन गए। परमेश्वर के कहने से अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगी, और तो और चार दिन का मरा लाजर प्रभु यीशु मसीह के कहने पर कब्र से बाहर निकल आया। तो वचन से क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या आपकी परेशानियां दूर नहीं हो सकती? लेकिन वचन को आप आदर देते ही नहीं तो परमेश्वर अपनी बात तुम तक कैसे पहुंचाए? आपकी समस्या का हल कैसे निकाले? क्योंकि परमेश्वर ही तो वचन है। जब आप बाइबल खोलकर देखेंगे तब सब जगह ऐसा ही लिखा है कि परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन याकूब के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन यीशु के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन गिदोन के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन दबोरा के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन एस्तर के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन यहोशापात के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परमेश्वर आपसे यह कहता है, प्रियो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मरकुस 4 अध्याय तीसरे पद में, सुनो एक बोने वाला बीज बोने को निकला और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और जब सूर्य निकला तो जल गया और चढ़ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसे दबा लिया और फल ना लाया, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले कि आपसे परमेश्वर क्या कहता है। इसी में परमेश्वर ने इसका दृष्टांत दिया है, मरकुस 4:3 में। उसके चेलों ने कहा, प्रभु इसका क्या मतलब है कि बीज यहाँ गिरा वहाँ गिरा? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे गिरे जहाँ वचन बोया जाता वो ये है, जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। परमेश्वर ने कहा कि बोने वाला वचन बोता है, और इसलिए यदि आप वचन नहीं सुनते, वचन पर ध्यान नहीं लगाते, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा? क्योंकि शैतान तो चाहता ही नहीं कि आप वचन सुने, और सुन भी लें तो वो तुरंत आकर चुरा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन को बीज क्यों कहा, क्यों कहकर समझाया? क्योंकि बीज जब अच्छी भूमि में बोया जाता है तो वो पौधा बनता है और पेड़ बनता है, और जब पेड़ बन जाता है तो फल लेकर आता है। और यही कारण है कि आज बहुत से मसीह भाई बहनों के जीवनों में फल नहीं है, क्योंकि वचन सुनना ही नहीं चाहते, और जब सुनना ही नहीं चाहते तो बोया कहाँ से जाएगा? जब बोया नहीं गया तो फल कहाँ से खाएं और कैसे दूसरों को खिलाएं? प्रियो, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके अनुसार यदि चलेंगे करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि आप फलवंत होंगे। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। और विश्वास कहां से आता है? रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन आज के युग में ये सब उल्टा कर दिया गया है, क्योंकि आज की कलीसिया विश्वास वचन से नहीं, चिन्ह और चमत्कार देखकर करती है, वचन सुनकर नहीं करती, वचन मानती नहीं और वचन पर चलती नहीं, बस चिन्ह और चमत्कार देखकर करती है। वो ये नहीं जानती कि वचन ही तो देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वचन ने जन्म लिया है। लेकिन परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है
मलाकी की पुस्तक एक अध्याय छह पद में जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि यदि मैं पुत्र हूँ तो मेरा स्वागत कहाँ है, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, जो बेटा या बेटी बाप को नहीं सुनता, बाप की नहीं सुनता, बाप को नहीं मानता, बाप की नहीं मानता, तो वो संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। पिता भी अपना पुत्र मानने से इनकार कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 7:21 में क्या कहा, आप मेरे साथ में निकालें मत्ती की पुस्तक 7:21, जहां पर इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से ऐश्वर्य कर्म नहीं किए? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे कहता है कि उसके वचन को आप सुने, क्योंकि उसका वचन देहधारी है, और जब वचन नहीं सुनोगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा? जब आप वचन नहीं सुनोगे तो उसके राज्य में प्रवेश कैसे करोगे? जब आप उसका वचन नहीं सुनोगे तो उसकी रजा को कैसे मानोगे? जब आप उसका वचन नहीं सुनोगे तो आप उसको कैसे जानोगे कि वो कौन है और क्या करता है? और इसलिए उसने गलातियों 6:5 में लिखा है, गलातियों की पुस्तक 6:5 में, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वे सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए जो उसका वचन नहीं सुनते वो उसको ठट्टे में उड़ा रहे हैं, जो उसके वचन को नहीं मानते वो उसको ठट्टे में उड़ा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपसे बात करना चाहता है, अपनी बात बताना चाहता है, आपकी समस्या का हल निकालना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे वचन को ले लो, जो दो धारी तलवार है, जो मांस और गूदे को आर पार करती है, उसका वचन कहता है कि उसको ले लो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप नाश ना हो वरन अनंत जीवन। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, क्योंकि यीशु मसीह महान परमेश्वर है। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो अपने आप को आपके लिए लुटाता है, और आज भी उसका बहता लहू गुलगुता नामक पहाड़ से आपके पापों की दुहाई देता है कि हे पिता परमेश्वर, इनके गुनाह
गुनाहों को माफ कर। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर। और वो आज भी आपके पापों के लिए दुहाई दे रहा है। यदि आप इस बात का अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आप उसके लहू के नीचे आकर शुद्ध होते हैं और उसका लहू आपको शुद्ध करता है। क्योंकि उसका वचन जब आप पढ़ते हैं तो आप उसको जानते हैं कि उसकी इच्छा आपके जीवन में क्या है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यदि कोई मेरे छोटे से छोटे दास को यदि एक कटोरा पानी भी मिलाए तो उसका प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। यदि कोई मेरे दास को तुच्छ जाने तो वो मुझे तुच्छ जानेगा। बहुत से हैं जो बाइबल का वचन देते हैं और प्रार्थना नहीं करते तो लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, लोग उन्हें बेकार समझते हैं, जबकि वचन ही परमेश्वर है। सबसे बेस्ट चीज जो है वो वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो वचन को बोता है वो मुझे उनके हृदयों में बोता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप सुने, परमेश्वर के वचन पे आप कान लगाएं, वचन को शेयर करें, वचन को एक दूसरे के साथ में बांटें और बातें करें कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने हमें छुड़ा लिया, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम पहले अंधकार में थे अब ज्योति की संतान है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक किया है और इस अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया है। आप डिस्कस जब करेंगे वचन को तो आपके बीच में परमेश्वर हाजिर होगा, क्योंकि उसका वचन कहता है जहाँ कहीं मेरे नाम से दो जन होंगे मैं उनके बीच में आऊंगा और मैं उनकी बातों को सुनूंगा और वो जो दो मन एक साथ एक बात को मांगे मैं हाँ और आमीन में स्वर्ग से उत्तर दूंगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर के वचन पर कान लगाएं, परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में बोएं, तभी परमेश्वर आपके जीवन को फलवंत करेगा। क्योंकि मरकुस 4 में परमेश्वर ने लिखा है कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है, किसी मनुष्य ने रात में बीज छींटे और सो गया, सुबह उठा और उसने उसको उगता हुआ, बढ़ता हुआ, फलवंत होता हुआ देखा। बीज क्या है? वचन। रात में, दिन में, सुबह में, किसी भी टाइम अपने जीवन में वचन को बोना शुरू कर दीजिए, इस बात को कहना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, इसने बीमारियों का मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है, परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, परमेश्वर तू ये कहता है। जब आप बाइबल खोलेंगे आपको वचनों का वो कुंड मिलेगा जिसमें श्रोता पढ़ रहा है जिसमें से कभी कोई घटी कमी नहीं हुई, क्योंकि वो एक श्रोता है। महान परमेश्वर का वचन महान है, इसलिए अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और वचन के साथ में प्रार्थना को सुने, तभी परमेश्वर हर आमीन में उत्तर देता है, क्योंकि वचन आपको बचाता है, वचन आपको सुरक्षा देता है, वचन आपके साथ है तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। इसलिए वचन को बोलकर अपने घर से निकलें, वचन को बोलकर अपने कामों को करें तो आप परमेश्वर को अपने साथ में सहभागी करते हैं। आमीन। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 करूबों पे विराजमान एक मात परमेश्वर, महामहिम परमेश्वर हो, हालेलुया। राजाओं के राजा, डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वेदों के वेद, संतों के संत, महामहिम परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, उत्तम तू है, सर्वशक्तिमान तू है, प्रथम तू है, अंतिम तू है, पहलोता तू है, महान तू है, प्रेमी तू है, ग्रेट तू है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम तो मिट्टी हैं, हम तो राख हैं, हमारा कोई बलबूत नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम जो भी कुछ हैं तेरे महा अनुग्रह से हैं, तेरी करुणा से हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें ठहराया है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मुझसे मांग, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तेरी प्रार्थना की ओर कान लगाऊंगा। हे मेरे जीवते परमेश्वर, हे
हे मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं ओ हालेलुया मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को मानते हैं, तेरे वचन पर चलते हैं, आज मेरे परमेश्वर नेमिया की प्रार्थना को सुनकर मेरे परमेश्वर सराबना को फिर से बनाने वाले खुदा, नेमिया की प्रार्थना सुनकर उस सराबना को नया कर देने वाले खुदा, आज मेरी प्रार्थना को सुन प्रभु और इन्हें उठाकर फिर से नया कर, इनके जीवनों को नया कर, इनके बच्चों को नया कर, इनके घरों को नया कर, इनके मनों को नया कर। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि कोई टूटा फूटा है, यदि कोई रोगी है, यदि कोई बीमारी के बिस्तर पर पड़ा है, यदि कोई दुख तकलीफ में है, विपत्ति परेशानी में है, शोक में, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, हालातों में है मेरे परमेश्वर, हॉस्पिटलों में है, अनाथ है, बेसहारा है, कोमा में है मेरे परमेश्वर, तो आज अपना लहू लुहान वाला हाथ बढ़ा, आज अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, आज अपना सिभामा हाथ बढ़ा, हे सामर्थ्य परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे करूबों पे विराजमान, आज अधिकार ले हे जीवित परमेश्वर, कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले, हर दिन हर रात ताकने वाले खुदा, कि कौन है जो मेरी दुहाई को दे, कौन है जो मुझसे इबादत करे, कौन है जो मुझ पर विश्वास करे, जब तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो जाएगा प्रभु। आज जितने तुझ पर विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनते हैं और जो विश्वास कर रहे हैं, आज उनके विश्वास की रखवाली कर, आज उनके विश्वास की सुधि ले, आज उनके विश्वास के अनुसार तू कर मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, कि यदि राई के दाने के बराबर विश्वास करेगा तो तू मेरी महिमा को देखेगा, इस पेड़ से कहना उखड़ जा तो जड़ से उखड़ जाएगा, इस पहाड़ से कहना खसक जा तो खसक जाएगा, हे इसराइल के परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जितनों ने तुझे स्वीकार किया है उतनों को तूने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, जो कि इसराइल है। आज मैं दुआ करती हूँ अपने इसराइल को उठाकर खड़ा कर, इसराइल की सुधि ले मेरे परमेश्वर, इसराइल की सुधि ले मेरे प्रभु, इसराइल की सुन मेरे खुदावर, इसराइल को बचा मेरे परमेश्वर, इसराइल को आशीषित कर परमेश्वर, इसराइल को उठाकर खड़ा कर मेरे प्रभु, इसराइल पर अपने वचन को प्रकट कर पिता, इसराइल के जीवन में उतरा, इसराइल के जीवनों को बचा मेरे परमेश्वर, आज इसराइल तेरी बाट जोता है पिता, आज इसराइल को बचा मेरे खुदा, आज इसराइल के चारों ओर अपनी वेदी की आग को लगा, अपने दूतों का बाड़ा दे, अपने लहू का बाड़ा उडेल दे परमेश्वर, आज इसराइल की रक्षा कर, आज इसराइल की स्तुति ले, हाँ मेरे परमेश्वर, जितने विश्वासी हैं वो सब इसराइली हैं, और आज विश्वासियों की तू स्तुति ले, तेरा वचन कहता है मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे वचन को सुन और कान लगा, मैं चाहता हूँ कि तेरे जीवनों में मैं काम करूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, तेरा वचन कहता है ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मेरे वचन पर कान लगा, तब तू सुधी और सुधी और सुधी लेने वाला बन जाएगा, हाँ मेरे परमेश्वर, आज जब तेरे वचन को ये सुनते हैं, तेरे वचन को ये मानते हैं, तो ये दूसरों की सुधी लेने वाले हो जा मेरे पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, आज तू इनकी सुधी ले और कल को इन्हें सुधी लेने वाला बना मेरे प्रभु, हे सामर्थ्य ईश्वर, हे राजाओं के राजा, हे परम प्रधान परमेश्वर, हे पावन ईश्वर, ओ राजा हालेलुया, ओ शन्नर राधा सिखा मेरे को सुखो मोहो और अगरी सिखा मारा दारा हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, होली स्पिरिट टच इन जीसस क्राइस्ट, ओ शन्नर राधा सिखा मेरे को सुखो मोहो और अगरी सिखा मारा दारा मेरे से के मेरे लो दे सुखो रो रेना दे सिखा मारा दारा दारा सिखा मारे लो दे सुखो रो रो तुम्हें मेरे ओ पवित्र आत्मा टच कर, होली स्पिरिट टच कर, होली स्पिरिट टच कर, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, ओ पौलुस कहता है अब मैं ना रहा वरन तू मुझ में जिंदा है, हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तो तू ही है, तू जो है सो है, तू ही मैं है परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, अब मैं ना रहा वरन तू मुझ में है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने इस प्रार्थना
को सुनते हैं, बीमारी के बिस्तर में है, दुख तकलीफ के बिस्तर में है, किसी भी प्रकार की बीमारी में है, आज तेरा सिफामा हाथ उनको छुए, आज तेरा जलाने हाथ उनको छुए, ओ हालेलुया, उनके जीवन में गवाही बने, वो विश्वास से भरे, वो तेरे वचन को खोजे, हाँ मेरे पिता तेरी सामर्थ को खोजे मेरे प्रभु, तू आज भी बाहें फैलाकर उनका इंतजार कर रहा है, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, लोना मैं तेरा चंगा करने वाला हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तेरा उद्धार करने वाला हूँ, मेरे पास लोना, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा, हे आशा भरे हुए लोगों, गढ़ की ओर लोनो, मैं तेरा परमेश्वर, दुगना फल दूंगा, दुगना आशीर्वाद दूंगा, दुगनी आशीष दूंगा, अपने मन को फिरा और उठाकर मैं तुझे खड़ा कर दूंगा, हे जीवित परमेश्वर, आज तेरे लोग मन फिरा रहे हैं, हे परमेश्वर, आज उनके मन को शुद्ध कर, आज उनके मन को पवित्र कर, यदि इन्हें गंदे सपने आते हैं, यदि गंदे विचार आते हैं, मरने के विचार आते हैं, आज यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा उखड़ जाओ इनके जीवनों से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं, हम घोषणा करते हैं, इनके जीवन को छोड़ और निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनकी तह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो इसको नष्ट करेगा उसे यहोवा नष्ट करेगा, उसे यहोवा घुड़केगा, उसे यहोवा का दूत लधेड़ेगा प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे निकट हजार, तेरे दाहिने पर हजार गिरेंगे परंतु तेरे पास कोई नहीं आएगा, आज अपने लोगों की सुधि ले मेरे परमेश्वर, और तू ऐसा ही करने वाला पिता है, क्योंकि तू दया का सागर है, तू क्षमा की खान है, तू परम प्रधान है, तू महान परमेश्वर है मेरे प्रभु, तुझे छोड़ कोई और महान नहीं, तुझे छोड़ कोई और है ही नहीं, तू एक मात्र ईश्वर है, वो एक मात्र परमेश्वर है मेरे प्रभु परमेश्वर, आज मेरे खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने लोगों को छुआ, उनके जीवनों को बदल दिया, आज से ये वचन को सुनने वाले, वचन पर चलने वाले और वचन के द्वारा तेरी महिमा करने वाले हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इनके जीवनों में गवाही को बनाया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हे राजाओं के राजा आपका धन्यवाद हो, हे प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद हो, हे महामहिम परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, इस प्रार्थना को सुनने के लिए, हाँ आमीन में उत्तर देने के लिए, अपने लोगों को जीवनों को बदलने के लिए, उनकी परिस्थितियों को बदल के रख देने के लिए, उनके मनों को बदलने के लिए, हाँ मेरे परमेश्वर उनके लिए उत्तम भाग देने के लिए, उन्हें पैसा बनाने के लिए, पिता परमेश्वर तूने स्वर्ग से उत्तर दिया है, तू स्वर्ग से उत्तर आया है, हे जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप बड़े हम घटे पिता, आपकी महिमा करें मेरे पिता, आप महिमा के योग्य हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आपको छोड़ कोई ईश्वर नहीं, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, हे प्रभु यीशु मसीह, हाँ मेरे पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए, हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए, एक लौते पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, आपने सुना ग्रहण किया ये मानते हैं पिता, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमेन, हालेलुया, God bless you.